नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो तीन बड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं। चाहे आप किसी भी ईयर में हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, फाइनल ईयर, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट्स होने वाली हैं। तो क्या है पूरी अपडेट्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। केवल एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि जितने भी राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपडेट हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले हम आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहली बड़ी अपडेट, वैक्सीनेशन की कमी से छात्र परेशान। दोस्तों दो तीन बड़ी अपडेट्स हैं। देखिए सबसे पहले, केवल मात्र ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में ऐसा हाल है, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर ही ऐसा हाल है, स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं लग रही है। और एक जगह सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन के बगैर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इसको लेकर भी बात करूंगा कि एग्जाम आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। पूरी अपडेट आपको देखनी है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा जुलाई अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के कारण छात्र परेशान हो रहे हैं। आरयू स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा 29 जुलाई से शुरू हो रही है, साथ ही 29 जुलाई से स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष कोर्सेज की परीक्षाएं होंगी, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं होना बना बड़ी परेशानी का सबब बताया जा रहा है। दोस्तों वैक्सीनेशन नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। अब देखिए बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर नहीं लगेगी तो क्या हम एग्जाम दे पाएंगे, तो जी बिल्कुल आप एग्जाम दे पाएंगे। ये आपकी कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है, ये यूनिवर्सिटीज़ की कमी है कि वो वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स को नहीं करवा पा रही हैं, और इतने समय में अब वैक्सीनेशन सभी को हो भी नहीं सकता, तो ये आपकी कमी नहीं है। जब आप एग्जाम बिल्कुल दे पाएंगे, चिंता न करें। अब देखिए दोस्तों और बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान से, कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो 29 जुलाई से परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो परीक्षाएं होंगी, किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है तो परीक्षा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तैयारियां हो चुकी हैं, अंतिम तैयारियां चल रही हैं, हॉस्टल में भी सैनिटाइजर मशीन और साफ सफाई की काम हो रहा है, तो मतलब परीक्षाएं का आयोजन कराएंगे, और लगभग तैयारियां सभी यूनिवर्सिटीज़ की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। दो सभी स्टूडेंट्स के लिए काम की है कि 15 दिन बाद होगा उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने का फैसला, यानी जो आपके कॉलेज हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे सर कॉलेज कब से ओपन होंगे, तो इस पर पहले 2 अगस्त का कह रहे थे कि 2 अगस्त का सभी के स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ही अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, और ये 15 दिन के लिए फैसला टाल दिया है। 15 दिन के बाद ही आपके जो स्कूल कॉलेज हैं जो खुलने वाले हैं उस पर फैसला लिया जाएगा, उससे पहले फैसला नहीं होगा। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट्स आप तक शेयर की हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरह की और अपडेट्स पाने के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।